हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो छत है हमारी वो रिपेयर करने वाली है, तो छत के साथ ही नीचे जो आंगन है हमारा, यानी कि एक आंगन तो देखिए जो ये है ये तो कच्चा है सारा, यानी कि तीनों घर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले का जो एरिया वो कैसा था यहाँ का अंदर का। तो चलिए मैं घर के अंदर ले जाता हूँ आपको। और दोस्तों देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे पहले इस तरह से जो है फर्श डाला हुआ था, सिर्फ जो ईंट है वो बिछा रखी थी, लेकिन अब ये सारी यहाँ से ईंट वगैरह तोड़कर यहाँ पे जो है टाइल जो है वो हम लगाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ टाइल लगाने के बाद यहाँ पे हम जो है अच्छे से जो प्लांट्स है वो हमारे रख पाएंगे तो और अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे कुछ प्लांट्स जो रखे थे वो मैंने एक साइड में डाल दिए। यहाँ पे ये हमारा चूल्हा है जहाँ पे रोटी बनाते हैं। बारिश के सीजन में अंदर गैस है, गैस बनाते हैं, बाकी टाइम पे यहीं पे हम जो रोटी है वो बना लेते हैं। ये एरिया पक्का है, यहाँ बैठ कर हम जो है शाम को रोटी बनाकर यहाँ पे खाते हैं। इसका अभी मैं आपको दिखाऊंगा कभी। ये देखिए जो ईंटें यहाँ पे लगी हुई थी तो सभी मैंने निकाल दी, कल पूरा दिन जो इसी में गया। इनको निकालना थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने निकाली थी इनको। देखिए ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में लोहे की एक राड लगाकर इसको इस तरह से निकालना था। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से निकाल निकाल के सभी मैंने अलग की और यहाँ से जो ईंट है वो उठाकर मैंने ऊपर जो है ऊपर भी भेजी है। तो चलिए छत पे चलते हैं। ये देखिए पौड़िया भी जो है पुराने टाइम के यहाँ पे। यहाँ से जो सामने का व्यू है, देखिए आपको जो घर का अच्छे से पता लगेगा, वो जो एरिया है सारा आंगन जो मेरे चाचा जी का है, और यहाँ तक का जो एरिया है ये हमारा है। कुछ ईंटें बाहर निकाल दी, गुल मोर का ट्री है, ये मेरे जो दूसरे चाचा जी उनका है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा एरिया हमारा है ये सारा आंगन। और उस साइड यहाँ से जो आपको दिख रहा है वो हमारी जो भैंस वाला एरिया है, वो जहाँ पे भैंस है। एक ये जो पोर्शन है ये अभी खाली है, यानी कि ये जो वो जो छत है वो मेरे रूम की है, ये बरामदे की है, तो एक रूम यहाँ पे बन सकता है लेकिन अभी जरूरत नहीं है। ये देखिए सारी ईंटें जो है नीचे की वो मैंने यहाँ पे पहुंचा दी है। अभी इसका काम कर रहा है इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूं। मैं सोच रहा हूँ पहले जो आंगन है उसको ठीक कर लेते हैं। देखिए ऊपर से जो आंगन है वो ऐसा दिख रहा है, सारा टूटा फूटा है। बारिश के सीजन में क्या यहाँ पे पानी बहुत भर जाता था, जब हमने इसको नहीं निकाला था उससे पहले क्या, जब तेज बारिश हुई थी उस टाइम पे क्या हुआ, जब तेज बारिश से सारा जो पानी है वो मेरे रूम के अंदर तक चला गया था, तो इसलिए हमने इसको निकाल दिया ताकि जो पानी जो आंगन है उसका जो लेवल है वो बाहर की साइड करेंगे ताकि बाहर की साइड पानी जो है वो निकल जाए। तो अभी इसको थोड़ा सा और निकालना है फिर हम स्टार्ट करेंगे। बारिश की वजह से जो काम है वो रुक गया है दोस्तों। वैसे चारों तरफ का जो एरिया है वो काफी हरा भरा हुआ है। ये देखिए ये हमारे बैक साइड में जो घर है इनके, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कच्चे मकान सिर्फ इनके पास है। ये एक्चुअली में खुद नहीं रहते, इनका खुद का घर तो ये है, लेकिन ये सिर्फ भैंसों के लिए है। भैंसों को चारा है या जब बारिश वगैरह आती है तो भैंसों को यहाँ पे रख देते हैं। अभी मुझे काफी काम करना है, ये जो ईंटें हैं इसी तरह से और ईंटें लेके आनी होगी, क्योंकि ये ईंटें एक्चुअली में ये आपको दिख रहा होगा इस साइड दीवार है, मेरे चाचा जी की जो छत है उसकी दीवार इस साइड है और इस साइड ये दीवार है, लेकिन सामने की जो दीवार है वो नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क ये है, रावी या कोई और बच्चा जब आता है ऊपर तो उससे ये वो नीचे गिर सकता है, नीचे गली है। ये देखिए यहाँ पे अगर बच्चे गिर सकते हैं तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक छोटी सी दीवार बनवा देंगे, तो उससे क्या है यहाँ पे बच्चे अगर आराम से खेल सकते हैं, गिरेंगे नहीं। और उससे ये सर्दियों में क्या है धूप में, यहाँ धूप अच्छी आती है तो यहाँ पे हम जो है खटिया जो होती है वो डालकर बैठ सकते हैं। और दोस्तों अभी जो है मैं मंदिर जा रहा हूँ, इवनिंग का टाइम है और अंधेरा होने वाला है, तो लेकिन बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। चलिए मैं आपको सामने के जो कैमरा है उसी से दिखाता हूँ। तो अभी 7 बज चुके हैं शाम के और अभी हमें मंदिर जाना होगा, और जो वीडियो क्लैरिटी है वो इतनी साफ नहीं आएगी क्योंकि जब अंधेरा होने लगता है तो कैमरा इतने अच्छे से वीडियो को फोकस नहीं करता। तो मैं मंदिर जाता हूँ, आरती करता हूँ, फिर वापस आऊंगा। और दोस्तों तो आज के ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।